विथ यू टुडे। और आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने हेयरबैंड पहना हुआ है, कोई हेयरस्टाइल नहीं बांधी है, तो आज का वीडियो भी इस हेयरबैंड से ही रिलेटेड है। यानी आज मैं आपको अपने हेयरबैंड बताऊंगी, यानी मेरे हेयरबैंड कलेक्शन बताऊंगी। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और मुझे कॉमेंट में बताएं कि आपको मेरा कौन सा हेयरबैंड पसंद है और क्यों पसंद आया। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मेरे चैनल। और आई थिंक सो कि आप लोगों को ना इस वीडियो को लाइक भी कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा बनने वाला है वीडियो। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हेयरबैंड तो मैंने जो बालों में पहन के रखा है वही हेयरबैंड पहला। तो ये हेयरबैंड मैंने सस्ता में खरीदा था, 20 रुपीज़ या फिर 30 रुपीज़ ऐसे कुछ प्राइस था इसका। तो मुझे पता नहीं कितना प्राइस है, मैं भूल गई, बहुत टाइम हो गया। तो ये हेयरबैंड मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि इसका ये जो हम ऐसे पहनते हैं ना जब से, क्योंकि ऐसे लाइंस आती है तो मुझे लाइन में बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसे खरीदा था। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा हेयरबैंड लगा था और मैं अब तक इसे पहनती हूँ। ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, मैं जानती हूँ, लेकिन आई थिंक मुझे पहनना चाहिए क्योंकि और बहुत सारे चल सकता है, क्योंकि ये बहुत स्टाइल्स का हेयरबैंड है। वो बिना किसी स्टाइल के बनाए हुए हम लोग इसे पहन सकते हैं, तो बेस्ट हेयरबैंड है। मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं दूंगी, बस इतनी कॉम्प्लीमेंट दूंगी हेयरबैंड इज द बेस्ट दैट आई एम वेयरिंग नाउ। तो चलिए हम नेक्स्ट हेयरबैंड की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेयरबैंड है और ये प्लेन हेयरबैंड है। तो वैसे इसमें दो थे, मैंने दो ऐसा एक और एक पीस खरीदा ब्लैक कलर का, बट वो टूट गया हेयरबैंड। तो ये जो था वो बहुत मतलब बहुत पसंद आया, बहुत सस्ता भी था, 10 रुपीज़ का था, सेल लगी थी। तो ये जो ये स्टोन दिख रहे हैं आप लोगों के यहाँ पे, वो टाइम जो मैंने उसे लिया था बहुत चमक रहे थे और इसका कलर भी इतना लूज नहीं पड़ा था, बहुत ज़्यादा ब्राइटिश था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने सोचा मैं इसे खरीदूँ, बट बाद में जब इसे मैं बहुत सारा यूज़ करने लगी तो इसके स्टोन भी निकल गए, उसके बाद ये इसका कलर भी लूज़ हो गया। तो मैं अभी से ज़्यादा पहनती नहीं, बस मैं घर में पहनती हूँ, क्योंकि बाहर अगर मैं पहन के गई तो सब लोग मतलब अगर मैं पहन के गई तो ये बहुत ज़्यादा पुराना लगेगा बाहर, इसीलिए मैं इसे पहनती नहीं बाहर ज़्यादातर। लेकिन अभी पहन सकती हूँ क्योंकि अभी तो कोई किसी का रिश्तेदार होता ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है बैंड, मैंने उस दिन ख़रीदा था, बहुत अच्छा था। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि आप लोगों के इस हेयरबैंड के बारे में क्या पसंद है और क्या बुरा लगा। और नेक्स्ट हेयरबैंड की तरफ चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट हेयरबैंड है ये किटी हेयरबैंड, ये किटी सीक्वेंस हेयरबैंड है और मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। मैंने इसे बहुत सारे वीडियो में पहना है और मुझे 2 वीडियोज़ तक याद है कि मैंने इस किटी हेयरबैंड को पहना था। तो मुझे 2 वीडियोज़ तक याद है मैंने इस किटी हेयरबैंड को पहना था। तो ये किटी हेयरबैंड मुझे इसलिए पसंद आया था कि सीक्वेंस का था, मतलब इसका सिल्वर सीक्वेंस होता है और ये ब्लू सीक्वेंस में मुझे मिला था और ये ज़्यादा महंगा नहीं था, 60 रुपीज़ का था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। बट ये बदकिस्मती से टूट गया, मेरे फ्रेंड ने तोड़ दिया, छोटे बच्चे ने तोड़ दिया मेरा हेयरबैंड। मैं बहुत रोई थी उस दिन, लेकिन फिर मैंने बोल दिया चलो जाने दो, मैं इसे घर जा के चिपका दूँगी, मम्मी को बोल दूँगी चिपका दो, मम्मी मेरी सिल देती, लेकिन मम्मी ने अब तक कुछ नहीं किया इसको। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेस्ट हेयरबैंड है, आप लोगों को पता ही होगा, मैंने 2 वीडियो में पहना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चैलेंज में मैंने इसे पहना था और क्लोज दैट आई एम रिग्रेट बाइंग मैंने इसे पहना था। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बट आई विल टेल दैट ओनली कि ये बेस्ट हेयरबैंड है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और ये बहुत अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन मैं इसे न्यू बनाऊँगी। अगर मैं कुछ DIY करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल के अगर मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे ही। तो चलिए हम नेक्स्ट हेयरबैंड की तरफ चलते हैं, वरना इसी में हमारा सारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट हेयरबैंड मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये हेयरबैंड में एकदम ऐसा बड़ा सा फ्लावर है और ये भी मैंने सेल में ही लिया था, बट ये सेल वाला बहुत महंगा नहीं बोल रहा था, सेल वाला बोल रहा था 30 रुपीज़ को, और तो मैंने 2 खरीद लिए ऐसे, बट नेक्स्ट वाला मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊँगी नाउ राउंड में, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ये बहुत ज़्यादा है अच्छा हेयरबैंड है। मैंने इसे इसीलिए लिया था क्योंकि इसका जो बड़ा फ्लावर है ना बहुत अच्छा था और मेरे पास मैंने बताया कि मेरे पास पिंक कलर नहीं है, और ये मैंने ये जो मैंने आपको हेयरबैंड बताया था वो लाइट पिंक था और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, क्योंकि इस पर ये जो ये भी लगे थे स्टाइलिश और ये बहुत अच्छा था,
से मुझे पसंद आया और मैं अभी भी ये पहनती हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सोचा था आज कि मैं वीडियो में यही पहनूंगी, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसे पुराना नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये वाला पहन ली, क्योंकि बहुत पुराना है, हेयरबैंड तो है। तो ये बहुत ज़्यादा एकदम अमेजिंग हेयरबैंड है, मैं कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करूँगी। और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों के हेयरबैंड कैसा लगा और क्यों अच्छा लगा। मुझे तो इसके फ्लावर की वजह से ये हेयरबैंड अच्छा लगा, और ये जो इसकी रिबन्स लगाई है वो बहुत अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, और यहाँ पे जो ये मोती लगाया और ये क्लीफ लगाया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और नेक्स्ट हेयरबैंड की तरफ चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट हेयरबैंड है ये, हाहाहा, ये मेरा फेवरेट एंड फेवरेट हेयरबैंड नहीं है, मतलब इसमें ज़्यादा सीक्वेंस है, और ये किटी सीक्वेंस का हेयरबैंड है, ऐसा एक क्राउन सीक्वेंस का भी था, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने क्राउन का पहले देखा था और ये वाला बाद में देखा था। मैंने सोचा यार क्राउन तो मेरे पास पहले से ही है, मतलब नकली क्राउन है मेरे पास पहले से ही, मतलब फैरी दिखने के लिए, तो मैंने सोचा मैं ये किटी का सीक्वेंस का हेयरबैंड खरीद लूँ। और इसमें येलो कलर, दो कलर्स होते हैं, इसमें येलो कलर है और इसमें सिल्वर कलर है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मैं इसे ज़्यादा पहनती नहीं क्योंकि बहुत नया हेयरबैंड है, और मैंने बस इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बार यूज़ किया है, इससे ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया, 10 बार के अंदर ही मैंने यूज़ किया, 5-6 बार या 7-8 बार यूज़ किया, लेकिन 10 बार कभी यूज़ ही नहीं किया मैंने इसे, क्योंकि ये बहुत नया और ये बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब इसके सीक्वेंस जो है ना वो रात में से चमकते, बट मुझे इसको देख के ना थोड़ा, मतलब अगर मैं इसे सुबह में देखती हूँ धूप में, तो मेरे आँखें जो है ना वो एकदम जलने लगती है, मतलब ऐसे रोशनी आ जाती है मेरी आँखों पे, इसीलिए मैं ऐसे ज़्यादा पहनती नहीं दिन के टाइम पे। रात के टाइम पे अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने या फिर कहीं बाहर घूमने रात को, तो मैं ऐसे पहन लेती हूँ, या फिर कहीं दूर जाना हो मुझे रिलेटिव के पास रहने के लिए, तब मैं ऐसे पहनती हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छा हेयरबैंड है, और ये मैंने सेल में ख़रीदा था। आप लोगों को लग रहा है ना कि क्यों ये किटी हेयरबैंड ज़्यादा महंगा है और क्यों ये इतना सस्ता है, बल्कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो इसीलिए क्योंकि ये मैंने सेल में ख़रीदा था, ये मैंने स्टार बाज़ार से ख़रीदा, स्टार बाज़ार थोड़ा महंगा बिकते थे तब के ज़माने में, ये मेरे लिए महंगा था 60 रुपीज़ का, और ये 30 रुपीज़ का मिला। आप लोग सोच रहे होंगे, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये मैंने सब अलग अलग जगह से लिए है, और आप लोगों को ये मैंने पिंक हेयरबैंड दिखाया था, ये दोनों मैंने एक ही जगह से लिए हुए हैं, मुझे दोनों पसंद आए, मम्मी ने कहा यार एक ले ले, मैंने बोला नहीं मम्मी यार इतना सस्ता है यार, इतना मस्त भी है, तो मैंने दो ले लिए हेयरबैंड्स। तो ये बहुत अच्छा हेयरबैंड है, इसकी पिट्टी बनी हुई है, बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा हेयरबैंड है, मैं इतने भी कॉम्प्लीमेंट करूँगी। और मेरे और दो हेयरबैंड्स है, मतलब एक नकली बालों का हेयरबैंड है, मतलब ऐसे यहाँ से आता है और नकली बाल का ब्रेड्स होती है बांधी, वो हेयरबैंड है, लेकिन वो अभी मुझे मिला नहीं, घूम गया कहीं पे, इसीलिए वैसे आपको को ऐसे ही बता रही हूँ वो हेयरबैंड के बारे में, वैसे वो हेयरबैंड है। और दूसरा तो मेरे पास है टाई, मतलब जैसे हम कोई कोई स्कूल में पहनते हैं, जैसे कि गले से लेके ऐसे ऊपर तक कान तक ऐसे करते हैं, वो हेयरबैंड है मेरे पास, मुझे उसका नाम नहीं आता, लेकिन वो वाला हेयरबैंड है मेरे पास, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, और मेरा एक नया वीडियो भी जल्दी आने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, ये ध्यान में रख देना कि आप लोगों को मेरे हेयरबैंड्स कौन से पसंद आए, ये तो कमेंट में बताना ही बताना। हे गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को इन सब हेयरबैंड्स में से सबसे ज़्यादा कौन सा हेयरबैंड पसंद आया। और वैसे मैं आपको मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट यही बताऊंगी कि मुझे ये फ्लावर वाला पसंद आया हेयरबैंड सबसे ज़्यादा फेवरेट, कि 3 हेयरबैंड्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, 3 हेयरबैंड्स, और ये 2 मुझे इतने अच्छे नहीं लगे लेकिन बहुत अच्छे लगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और वैसे आप इनका नाम भी ले सकते हो, आप इनके कलर से भी इन्हें बुला सकते हो, ये येलो किटी हेयरबैंड है, ये ब्लू किटी हेयरबैंड है, और ये पिंक नॉर्मल हेयरबैंड है, और ये पिंक डार्क पिंक फ्लावर हेयरबैंड है, तो आप लोग इनके
नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके नाम दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके नाम चेक कर सकते हो और कमेंट में मुझे ऐड करके बता सकते हो कि आप लोगों को कौन सा हेवन सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, मुझे अपनी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, मैंने लिंक तो नहीं दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेकिन मेरी आईडी ज़रूर लिख के दी है, तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। और मैं फेसबुक पे तो हूँ ही हूँ लेकिन फेसबुक पे फिलहाल का मुझे फॉलो करो मत, लेकिन फिलहाल का मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको मेरा नया वीडियो कौन सा चाहिए ये भी मुझे बता देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्द एक नया वीडियो ले आने वाली हूँ। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।